विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के बीच हंगामा देखने को मिलता है और इस बीच अब राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्ष पर जमकर बरसे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचकर देश सेवा करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से सदन की गरिमा को रखा है, ये पूरे देश ने देखा है। आप लोगों का जो इंटेंशन है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पड़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का ये लिंग है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोर सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर है, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रहकर के भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं।